अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम जो है बकरे का मगज़ बना रहे हैं। तो ये हमने प्याज को, लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, प्याज इसमें नहीं डाला। और अब हम साथ ही इसमें ये टमाटर डाल ऐड करने लगे हैं और इनको भी हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बकरे का मगज़ बहुत प्यारा ज़बरदस्त किस्म का फ्राई करके हम आपको 2 मिनट के अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये हमने इसमें अच्छे तरीके से टमाटरों को डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले हल्दी का पाउडर, ये 1/2 टीस्पून चला गया। नमक हसबे जायका, ये भी चला गया। और गरम मसाला पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून चला गया। इसी तरह मैं आपको तमाम मसाले इसमें ऐड करके दिखाती हूँ। कुटक मेथी है, ये भी हमने ऐड कर दी है। लाल मिर्चों का पाउडर है, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब हम आपको पका के दिखाते हैं, पूरा प्रोसीजर बताते हैं। ये देखिए, मसाला हम फ्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मसाला फ्राई हो रहा है। इसी मसाले के अंदर ये देखिए, ये मैंने मगज़ धो के रखा हुआ है, बिल्कुल प्यारा सा साफ सुथरा सा ये हम ले आए हैं। और इसको आप इधर कटाकट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको खाना सिखाऊंगी। ये देखना, इस तरीके से जब आप बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो ये देखिए, ये मैंने बकरे का मगज़ तैयार करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, बहुत आला और शानदार, जो एक बार खाए बार बार मांगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बनाएं मेरे तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जल्द और बहुत मज़ेदार और जायकेदार बनकर रेडी होगा। ये देखिए, ये हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा मगज़ बनकर रेडी हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हम इसको रेडी कर रहे हैं, क्योंकि खाने में अच्छी चीज़ बनी हो तो मज़ा आता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसमें पानी नहीं जाता, ये बात आप लोग ध्यान में रखना कि इसमें पानी नहीं जाता, पानी का एक कतरा भी हम इसमें नहीं डालेंगे। सबको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो और बहुत अच्छा त्यौहार मुसलमानों के लिए है। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की सुन्नत है, तो आप इसको अदा कीजिए और अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए, अपने प्यारों के लिए कुर्बानी कीजिए अल्लाह की राह में, ताकि अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें और परेशानियां दूर करे। और इस तरह आपकी आखिरत भी संवर जाती है और दुनिया भी संवर जाती है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि हर साल कुर्बानी करें। कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है जिसको अंजाम देना हर मुसलमान का फ़र्ज है। हर साहिब इस्तेआत को जो है कुर्बानी देनी चाहिए। बाकी तो हम अपनी हर ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब कुर्बानी के लिए कहा जाता है तो हम कहते हैं कि हमें अभी तो ठीक नहीं है, हमारे पास हमारे खर्चे बहुत हैं, हमारा बजट इजाज़त नहीं देता। तो खुदारा आप लोग ऐसे ना सोचा करें, अपने बजट में से कम अज़ कम हिस्सा रखा करें जो आप अल्लाह के नाम पर निकाल सकें और दे सकें। तो यही हम सब के लिए बेहतर है। तो ये देखिए, हमने इसको तैयार कर लिया है और ये तैयार हो गया है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब आपकी आपसे इजाज़त चाहती हैं। अल्लाह हाफिज़।